वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स क्या होते हैं? द टाइप ऑफ कंपाउंड्स हैविंग CHG बॉन्ड, यानी जिनमें कार्बन और मरकरी के बीच में बॉन्ड होता है वो ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, अब हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स जो होते हैं ना वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये क्या होते हैं? लो मेल्टिंग सॉलिड्स। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो काफी ज्यादा लो होते हैं जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तब। उसके बाद ये कलरलेस लिक्विड्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये स्टेबल होते हैं एयर और मॉइस्चर से, स्टेबल टू एयर एंड मॉइस्चर। लेकिन ये लाइट से सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, सेंसिटिव टू लाइट। ठीक है, तो ये आपके पास ना ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज आ गई, उनकी नेचर की। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं इनका सिंथेसिस, कि इनको हम सिंथेसाइज कैसे कर सकते हैं। इनका जो सिंथेसिस मेथड है ना वो सेम वैसा है जैसे हमने ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड्स में पढ़ा था। ठीक है, अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो देखी है तो आपको पता चल गया होगा कि इस वाले रिएक्शन में भी हम क्या करेंगे, इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन करवाएंगे ग्रिगनार्ड रिजेंट का विद मर्कैरिक क्लोराइड। जैसे उधर हमने कैडमियम क्लोराइड यूज किया था, इधर हम मर्कैरिक क्लोराइड यूज करेंगे। तो रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड रिजेंट। तो हमारे पास अब इधर हम रिएक्शन देख लेते हैं। तो 2R MgX, ठीक है, प्लस हमारे पास है HgCl2। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगी? R2Hg जो कि ऑर्गेनोमर्करी है, और साथ हमारे पास बनेगा 2MgXCl। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट मेथड है। सेकेंड हमारा जो मेथड है वो है रिएक्शन ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये भी बेसिकली क्या है? ग्रिगनार्ड रिजेंट ही है, लेकिन मैंने इसकी अलग हेडिंग बना दी है। ठीक है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी तो ग्रिगनार्ड रिजेंट ही है, बस आर की जगह हमने फिनाइल लगाया हुआ है। तो इधर हमारे पास C6H5MgBr है। ठीक है, और हमारे पास है मर्कैरिक क्लोराइड। तो रिएक्शन क्या होगा? ठीक है, ये बन जाएगा ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड, साथ हमारे पास बनेगा 2MgBrCl। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स की सिंथेसिस के मेथड्स आ गए हैं। ठीक, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं इसके रिएक्शंस की। रिएक्शंस में नंबर 1 पे आ जाता है मर्करेशन का रिएक्शन, मर्करेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर हम यहाँ दोबारा से ना फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लेते हैं, ठीक है, और इसके साथ या तो हम Hg OC डबल बॉन्ड OCH3 को रिएक्ट कराते हैं या हम HgClO4 को रिएक्ट कराते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास C6H5 जो MgBr है उसकी जगह HgO C डबल बॉन्ड OCH3 लग जाएगा, ठीक है। या हमारे पास अगर ये हम यूज करेंगे तो हमारे पास C6H5HgClO4 बन जाएगा। और साथ हमारे पास दोनों केसेस में ना एक और चीज बनेगी जो कि क्या है, MgBr2 बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ना फर्स्ट रिएक्शन है कि अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी ले लें और हम उसकी मर्करेशन करा दें, बेशक मर्कैरिक एसीटेट यूज करके या मर्कैरिक क्लोरेट यूज करके, तो हमारे पास जो है ये वाला कंपाउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सेकेंड हमारे पास जो रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इधर हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स को यूज करके रिएक्शन करना है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, बेंजीन आ जाती है, ठीक है। बेंजीन के साथ जब हमारे पास हम इस कंपाउंड को यूज करेंगे, इधर हमारे पास इधर 2 आएगा, ठीक है। तो हम जब इस कंपाउंड को यूज करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, अब ये 2 हैं, यानी कि मरकरी के साथ ना 2 एसीटेट्स लगे हुए हैं, तो एक जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है, और एक बना देगा एसिटिक एसिड, ठीक। तो हमारे पास जो है एक ये कंपाउंड प्रोड्यूस होगा और साथ एसिटिक एसिड बनेगा। थर्ड हमारे पास जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद इलेक्ट्रॉन रिच अरीन्स, ठीक है। अरीन्स के साथ रिएक्शन होना है। अरीन्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन इनके साथ ना एक और ग्रुप अटैच होता है, जैसे इधर फिनोल है, तो फिनोल के साथ हमारे पास जो है ये फिनोल है, उसके साथ हम दोबारा से मर्कैरिक एसीटेट को जब रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो है क्या बनेगा, हमारे पास फिनोल जो है वो वैसे ही रहेगा, ठीक है, उसके साथ हमारे पास ये लग जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास लग जाएगा, ठीक है। और हमारे पास अब ये 2 हैं, तो इसके साथ दोबारा से हमारे पास एसिटिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड रिएक्शन है ऑर्गेनोमर्कैरिक कंपाउंड्स का। नंबर 4 पे हमारे पास जो रिएक्शन है वो हमारे पास आ जाता है हॉफमैन सैंड रिएक्शन, ठीक है। ये साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे ये रिएक्शन है, ठीक है। इस रिएक्शन में हमारे पास होता क्या है, इस रिएक्शन में ना हम ऑर्गेनोमर्कैरिक कंपाउंड्स के साथ अल्कीन्स को रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास अब ये है ऑर्गेनोमर्कैरिक कंपाउंड और साथ हमारे पास है अल्कीन, तो अब हमारे पास जो कंपाउंड प्रोड्यूस होगा वो हमारे पास क्या होगा, ठीक है, हमारे पास इस तरह का कंपाउंड बनेगा, यानी कि इस सारे जो हमारे पास एटम्स है ना, इसमें भी और इसमें भी ये एक ही कंपाउंड बना लेंगे, ठीक है। और हम इस कंपाउंड को क्या कहेंगे, अल्फा मर्क्यूरिक एस्टर। ठीक है, इस कंपाउंड का ये नाम है। तो हमारे पास ना हॉफमैन सैंड रिएक्शन से ना क्या प्रोड्यूस होता है, अगर हम ऑर्गेनोमर्क्यूरी कंपाउंड्स का रिएक्शन कराएं अल्कीन्स के साथ तो हमारे पास एस्टर्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और वो भी अल्फा एस्टर्स। तो ये हमारे पास ना ऑर्गेनोमर्क्यूरी कंपाउंड्स के रिएक्शंस थे। ठीक है, अब हम इनकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं। एप्लीकेशंस में हमारे पास क्या आता है, ये वाले जो कंपाउंड्स है ना ये ज्यादातर यूज होते हैं हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स में। जब हमने अल्कीन की हाइड्रेशन करनी हो ना तब हमारे पास ये वाले कंपाउंड्स एज अ कैटालिस्ट यूज होते हैं। सेकंड, हमारे पास ये यूज होते हैं एंटीसेप्टिक्स में, क्योंकि मरकरी आपको पता है ना बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, तो एंटीसेप्टिक्स और फंजीसाइड्स में काफी यूज होता है, ये जो फंजाई को किल करता है और जर्म्स को रिमूव करता है। थर्ड, हमारे पास है अगर हमने वैक्सीन्स को प्रिजर्व करवाना है ना तब भी हमारे पास ऑर्गेनोमर्क्यूरी कंपाउंड्स यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो इसकी और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो मैं इधर ये वाली सिर्फ डिस्कस कर रही हूँ, जो बाकी एप्लीकेशंस हैं वो आप खुद सर्च करना कि ऑर्गेनोमर्क्यूरी कंपाउंड्स की और कौन सी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में भी मुझे लाजमी बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।